हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल के एम स्मार्ट आर सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फॉलो अप क्वेश्चन ऑफ अ क्यू कार्ड एंड नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ पिक्चर और फोटोग्राफ इन योर होम मींस किसी भी पिक्चर और फोटोग्राफ का आपने डिस्क्राइब करना है जो आपके घर में हो ओके स्टूडेंट सो वी विल डिस्कस ऑल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो ओके स्टूडेंट सो लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट फॉलो ऑफ क्वेश्चन इज डू इंडियन पीपल लाइक टू टेक फोटोज ऑफ दम कि क्या इंडियन पीपल हैं वो फोटोज लेना खुद की फोटोज लेना पसंद करते हैं यस डेफिनेटली नाउ इट्स अ ट्रेंड ऑफ सेल्फीज एंड एवरी पर्सन हैव देयर ओन स्मार्ट फोन एंड दे टेक अ पिक्चर फ्रॉम देअर फोन कैमरा कि आजकल जो ट्रेंड है वो सेल्फीज का है और हर एक पर्सन के पास उसका मोबाइल फोन भी है और वो फोटो अपने मोबाइल फोन के कैमरे से ही लेते हैं मोस्टली ओके okay, और सेकेंड क्वेश्चन इज वट काइंडिवाइज पीपल लाइक टू यूज फॉर टेकिंग फोटो दीज डेज कि किस टाइप के डिवाइसेस लोग यूज करना पसंद करते हैं फोटोज लेने के लिए दीज डेज आजकल वेल देयर आर सो मैनी डिवाइस नाव डे टू टेक फोटोज बट मोस्टली पीपल यूज देयर ऑन फोन कैमरा बिकॉज इट इज पोर्टेबल डिवाइस बिकॉज दे कैन एफर्ड इट मोर ओवर इट इज ईजी टू कैरी एंड दे कैन क्लिक पिक्चर्स वेयर दे गो बहुत सारे डिवाइसेस हैं फोटोज लेने के लेकिन ज्यादातर लोग अपने फोन का कैमरा ही यूज करते हैं क्योंकि वो उसको एफर्ट कर सकते हैं और ये इजी टू कैरी भी है लेके जाना कहीं पे भी आसान भी है और दे कैन क्लिक पिक्चर पिक्चर क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे भी वो जाते हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डू पीपल लाइक टू डिलीट फोटोज कि लोग फोटो डिलीट करना क्यों पसंद करते हैं कुछ लोग देयर आर वेरियस रीजनस बिहाइंड इट बहुत सारे रीजनस है फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट समोटोज में नॉट भी गुड कई बार फोटो अच्छी भी नहीं हो सकती वेयर एज मेनी टाइम इट्स अ रीजन ऑफ फोन मेमरी और कई बार ये रीजन फोन मेमरी का हो सकता है बिकॉज ड्यू टू एल आउट ऑफ डाटा फोन कैन नॉट अक्सेप्ट मोर थिंग नॉट असेप्ट मोर थिंग्स सो वी हैव टू डिलीट फोटोज इसलिए फोटोज डिलीट करनी पड़ती है ओके वाई डू सम पीपल लाइक टू कीप फोटोज कुछ लोग फोटोज रखना क्यों पसंद करते हैं एवरी वन नो पिक्चर आर द मिरर ऑफ आवर पास्ट हर एक जानता है कि जो पिक्चर्स है वो मिरर है एक पास्ट का थ्रो पिक्चर्स वी कैन रिमाइंड आवर हैपनिंग पिक्चर के थ्रू हम अपनी पास्ट हैपनिंग को रिमाइंड कर सकते हैं याद कर सकते हैं सो पीपल लव टू कीव फोटोज एज अ मेमरी ऑफ पास्ट इसलिए लोग फोटोज रखना पसंद करते हैं पास्ट मेमरी के लिए okay so our next question is has the way people take photos changed ki jo photos lene ka changed ho chuka hai yes definitely the ways of taking pictures have changed due to advancement of technology nowadays digital camera are popular and the size of phone camera and smartphone has reduced now people can easily carry it in their hands और पॉकेट्स बट इन द पास्ट द क्वालिटी ऑफ पिक्चर वॉज नोट सो गुड ड्यू टू लेस फंक्शनिंग कैमराज की बहुत की जो वेज है फोटो लेने का वो चेंज हो चुका है किसकी वजह से हुआ है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से और आजकल बहुत सारे डिजिटल कैमराज हैं जो पॉपुलर हैं और जो फोन का साइज़ है फ़ोन का जो कैमरे का साइज है और स्मार्टफोन का है वो भी कम हो गया रिड्यूस्ड हो गया और लोग हैं जो वो इजिली कैरी कर सकते अपने हैंड्स और पॉकेट में मोबाइल फोन को लेकिन पास्ट में जो पिक्चर क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी लेस फंक्शन की वजह से कैमरेज में ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग फोटोज बाय स्मार्टफोन की एडवांटेज uh, और डिसएडवांटेज क्या है फोटोज लेने के स्मार्टफोन में और ड्रॉबैक्स भी है नुकसान भी है, है फोटोज लेने के स्मार्टफोन में द मेन बेनिफिट इज इफ वी क्लिक पिक्चर बाय स्मार्टफोन देन वी कैन शेयर इट इमीडिएटली टू एनी वन अगर हम पिक्चर लेते हैं अपने स्मार्टफोन में हम उसको शेयर कर सकते हैं इमिडिएटली किसी के पास भी ऑन अदर साइड इफ यू टेक टू मेनी पिक्चर्स इट कैन फील आवर फोन मेमरी एज वेल एज इट इजेज ऑफ टाइम अगर हम बहुत ही ज्यादा पिक्चर ले रहे हैं तो इससे जो फोन मेमरी है और ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम भी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक फोटोग्राफर आर आर्टिस्ट क्या आप ऐसा सोचते हो जो फोटोग्राफर है वो आर्टिस्ट है यस आई थिंक सो बिकॉज फोटोग्राफी इज एंड आर्ट टू टेक गुड पिक्चर कि हाँ जो फोटोग्राफी है वो एक आर्ट है पिक्चर्स अच्छी पिक्चर लेने की जो फोटोग्राफर है डज नॉट नीड टू डिलीट फोटोज बिकॉज दे टेक फोटोज फ्रॉम द राइट एंगल जो फोटोग्राफर है उसको फोटो डिलीट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो फोटो हमेशा राइट एंगल में ही लेते हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग पेंटिंग फॉर चिल्ड्रन कि पेंटिंग को सीखने के बच्चों के लिए क्या बेनिफिट हैं वेल चिल्ड्रन कैन शो देयर हिडन क्रिएटिविटी इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एज वेल एज कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज वेल थ्रो आर्ट कि जो बच्चे हैं वो अपनी हिडन क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं आर्ट के थ्रू पब्लिक के सामने और अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रो देयर आर्ट अपनी आर्ट के थ्रू Okay, so our last question is: Can anyone become famous artist through hard work? Ki kya a famous artist through hard work? Yes, definitely. If a person does a lot of hard work, then definitely he or she can become a famous artist because it is saying that hard work is a key of success. Okay, students. So these are the follow-up questions of this Q card. And students, if any follow-up questions of any Q card in your mind, then write in the comment box. I will try to solve your all problem. Okay. Uh, if you want to get more and more information about my upcoming video, then please share and subscribe my channel more and more. And now, thanks for watching.